गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको हिंदी बेसिक कोर्स का अभ्यास कराऊंगी। देखिए, इसके पहले भी हम हिंदी बेसिक कोर्स की बहुत तैयारी कर चुके हैं, फिर भी मैं तुमको फिर से ये अभ्यास कराना चाहती हूँ। हिंदी भाषा नागरी लिपि में लिखी जाती है और हिंदी वर्णमाला में दो वर्ण होते हैं, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर ज्ञान पहले करेंगे, उसके बाद हम व्यंजन ज्ञान में आएंगे कि स्वर ज्ञान के बिना व्यंजन अधूरा है। हिंदी में कुल स्वर 13 होते हैं, उसी तरह गुजराती में भी कुल स्वर 13 ही होते हैं। दोनों स्वर एक समान है, सिर्फ इसमें फर्क यह है कि इनकी लिखावट अलग है, क्योंकि भाषा है हिंदी भाषा है, गुजराती भाषा है। हिंदी स्वर देखिए, अ आ ई ई ऊ ऊ री। अब री में देखिए, जैसे कि मैं हिंदी में बोल रही हूँ री, हम गुजराती में इसे बोलते हैं रू। क्या बोलते हैं? रू। इसका प्रयोग मैं आपको आगे बताऊंगी। ए ऐ ओ औ अम अहा। अब अम और अहा में देखिए, जो अ के ऊपर जो बिंदी लिख रही है उसे हम अनुस्वर कहते हैं। अनुस्वर कि कोई भी शब्द हो, जैसे कि अंगूर है, उसके ऊपर हम ये बिंदी लगाते हैं, अनुस्वर। अनुस्वर के नाम से इसे जाना जाता है। अ के बाद में दो बिंदियां दिख रही है उसे हम कहते हैं विशद। ये ज्यादातर संस्कृत में ही हम उपयोग करते हैं, जैसे कि नमः, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। गुजराती में भी इसी तरह से हम स्वर कहते हैं, उसमें भी लिखावट में फर्क रहता है। अ है, उसमें कोई संकेत नहीं होता, आ संकेत है। आ आ स्वर का मतलब है ध्वनि जो कंठ से निकलती है। तो आ ई को हम बोलते हैं हिंदी में छोटी की मात्रा, ये छोटी है, इसे गुजराती में बोला जाता है ह्रस्वई। बड़ी की मात्रा इसे बोला जाता है दीर्घाई, गुजराती में इसे बोला जाता है दीर्घाई, हिंदी में बोला जाता है ई। बड़ी की मात्रा, ये छोटी है और ये बड़ी है, इसे गुजराती में दीर्घाई बोला जाता है। ऊ, ऊ की मात्रा, ये छोटा है, ऊ की मात्रा। बड़ा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा, इसे गुजराती में क्या बोला जाता है? जैसे कि ऊ की मात्रा, इसका संकेत मैं आपको बताऊंगी, ह्रस्ववाड़ू। बड़े ऊ की मात्रा है दीर्घावाड़ू। री के बारे में मैंने आपको बताया, इसका संकेत मैं दर्शाऊंगी। उसके बाद आता है एड़ी का ए, एक ही मात्रा, इसके ऊपर संकेत नहीं है, इसका मतलब है कि इसे एक मात्रा में गिना जाता है, इसे भी मैं संकेत में ही दर्शाऊंगी। एड़ी का ए है, उसके ऊपर एक मात्रा है, देखिए तो इसकी एक मात्रा हुई और इसकी एक मात्रा हुई, दोनों ज्वाइंट होके दो मात्रा हुई, इसलिए इसे बोला जाता है ए की मात्रा। ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अम आहा, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ।